इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क की मशहूर हस्ती डॉक्टर राम पुनियानी साहब, जो तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आपका खैर मकदम इस्तकबाल। कुछ सवालात हैं। देश एक अलग दिशा में जा रहा है, जहाँ एक अक्सरियत तबके के लोग खामोशी चुप्पी साधे हुए हैं और असल मसलों को बगल देकर जज्बाती और भावनाओं में बहने वाले मसलों को अवाम के सामने रखा जा रहा है। तो दिशाहीन होकर देश की आर्थिक हो मईशत हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ख़ास तौर से पिछले 6 साल से ये हमारे देश की दिशा में बहुत फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि जो सरकार पावर में है वो सरकार सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भारत नहीं चाहती। वो एक हिंदू राष्ट्र यहाँ बनाना चाहती है। वैसे तो इनकी पावर 1980s के बाद से, जब से रथ यात्रा निकली, बाद में बाबरी डिमोलिशन हुआ और अभी तो बाद में इनका पावर में आना चालू हुआ, तो उसके बाद से इनका पावर बहुत बढ़ता गया। और इसके बहुत सारे जो पहलू हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वो देश के आम लोगों के लिए बहुत तकलीफ देने वाले हैं। क्योंकि सवाल यह है कि आज देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याओं में ख़ास तौर से लोगों के जीने के मसले, जो रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए हैं, जो नौजवानों की रोज़गार से जुड़े हुए हैं, किसानों की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, बच्चों की शिक्षा, हेल्थ केयर, ये सब समाज में पिछड़ते जा रहे हैं। उससे और अब देखा जाए तो कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि BSNL, MTNL और हमारे जो ONGC रेलवेज, इनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे जो हमारे देश की दिशा में आम लोगों की तकलीफ़ें पहले से बढ़ जाएंगी। जो यह कॉरपोरेट वर्ल्ड का वर्चस्व, डोमिनेंस, प्रभुत्व पिछले कुछ सालों से बढ़ा है, वो और बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ साथ, जैसे आपने सही कहा कि पहचान के मुद्दे, आइडेंटिटी इश्यूज, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जो देशभक्ति के नाम पे जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कोई अगर सरकार को क्रिटिसाइज़ करे, सरकार के ख़िलाफ़ लिखे, तो उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, उसी में मैं जोड़ दूं कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, काऊ बीफ का मुद्दा उठाया गया, लव जिहाद का मुद्दा उठाया गया, घर वापसी का मुद्दा उठाया गया, और उसी के साथ साथ पड़ोसी देश के खिलाफ नफ़रत को ज़्यादा मजबूत किया गया। कश्मीर के मुद्दे को जिस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है, उसमें कश्मीर के अवाम की राय की कोई कदर नहीं की जा रही। तो ये सब चीज़ों को देख के एक चिंता तो होती है कि हम जिस रास्ते से निकले थे आज़ादी के बाद, वो रास्ता कुछ अलग था, और अभी जिस रास्ते पर देश जा रहा है वो रास्ता कुछ अलग ही दिख रहा है। मसला ये है कि अक्सरियत जैसा, तो एक अगर अकलियतों की बात की जाए तो मुसलमान तो दबा कुचला एक तबका है इस देश में, अक्सरियत जो हिंदू कहलाता है वो खामोश है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोग तकलीफ़ में तो हैं, पर एक बड़ा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, और वो प्रोपोगंडा के कारण कई लोगों को लग रहा है कि चलो अभी हमने अकलियतों को दबा दिया और अभी हमारा राज आएगा, ऐसा समाज के कुछ तबकों को लगता है। और कुछ तबका खामोश है कि उनको बोलने में डर लगता है। और तीसरा कारण ये है, उसको भी मैं कह दूं, कि जो ताकतों ने लोगों के असंतोष को सामने लाना चाहिए, ये दो ताकतें होती हैं। एक ताकत होती है सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक पार्टियाँ, जो लोगों के मुद्दे के आधार पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करती हैं, और दूसरा देश का मीडिया, जो इन बातों को सामने लाता है। तो लोगों की खामोशी आज जो है, उसके पीछे ये दो कारण मुझे दिखते हैं कि कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियाँ और सोशल मूवमेंट्स ये इन चीज़ों को बराबर नहीं उठा रहे। और तीसरा, देख, जैसे मैंने कहा कि मीडिया का काम जनरली होता है सरकार की पॉलिसीज़ की आलोचना करना। क्यों करना आलोचना?
ताकि सरकार की पॉलिसियां बेहतर हो सके, और अपोजिशन जो सही बातों को उठाता है उसको मीडिया ऊपर ले आता है। अभी उल्टा हो रहा है। अभी उल्टा क्या हो रहा है कि मीडिया सरकार की पॉलिसीज का एक भोंपू कर काम कर रहा है और अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन कारणों से देश की जो अक्सरियत मेजॉरिटी लोग हैं उनकी आवाज़ कई बार सुनाई नहीं देती। इसमें भी एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार इनकी आवाज़ आती भी है तो उनको ज़्यादा बताया नहीं जाता। जैसे खास तौर से आप देखें तो इलेक्शन के कुछ महीनों पहले पूरे देश में किसानों के बहुत बड़े आंदोलन हुए और वो आंदोलन को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, चुपचाप मीडिया ने उसको दरकिनार कर दिया। तो वो किसानों का इतना बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था जो जिसकी बात पूरे देश ने सुनना चाहिए, वो भी नहीं सुनी गई। तो वो भी एक कारण है जिसके कारण ऐसा लगता है कि देश की मेजॉरिटी इन मुद्दों पे खामोश है। नहीं, अगर खामोश है ये ठीक है, लेकिन क्या वो इत्तफाक रखती है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ईवीएम है या तो फिर लोगों की भी विचारधारा जो सेंटर में मरकज़ में बैठी हुई एक फैसिस्ट हुकूमत पर इकतदार पजीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एमपी न बनती। और इसी तरह से कई सारे भगवादारी जिन पर केसेस हुए हैं वो भी पार्लियामेंट तक जाते हैं। तो इसका क्या है कि लोग ये बात से इत्तफाक रख चुके हैं क्या? नहीं, इसको हिंदू राष्ट्रीय बनाना है या फिर गांधी का देश या गोडसे का देश, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें शायद दोनों बातें आपकी सही हैं। एक तो इलेक्शन के पहले मुझे भी लगता था कि लोगों में असंतोष इतना है कि यह सरकार वापस पावर में नहीं आ सकती है। उसी बीच पुलवामा बालाकोट हुआ और देश की ओपिनियन में एक फ़र्क आया, और उसी के साथ साथ शायद ईवीएम मशीन ने भी अपना रोल प्ले किया। ये एक उसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, देश के एक तबके को लगता है कि ये सही है, कुछ जो प्रोपोगंडा इतना बड़े पैमाने पे किया उस प्रोपोगंडा के कारण देश का एक छोटा तबका है, वो तबका ज़्यादा बड़ा है ऐसा मैं नहीं मानता, एक छोटे तबके को इस पार्टी से लगाव हो गया है क्योंकि उनको लगता है कि देश की समस्या जो है ख़ास तौर से अकलियतों के कारण, माइनॉरिटीज़ के कारण है। ये सरकार माइनॉरिटीज़ को दबा रही है तो हम इस सरकार के साथ चलेंगे। पर इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा तबका जो है वो वास्तव में बहुत छोटा तबका है। मोदी सरकार हर मैदान पर, हद महाज पर नाकाम है। इसके बावजूद भी इसे दूसरे मुल्कों में अवार्ड से, एजाज से नवाजा जा रहा है। ये क्या पॉलिसी है कि जबकि भारत में कुछ एक पैसे का निवेश नहीं ला रहे हमारे प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद भी उन्हें दूसरे मुल्कों में अवार्ड से नवाजा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब कौन से मुल्कों में किस बात पे नवाजा जा रहा है ये एक देखने की बात है। कोई वो सऊदी देश का एक छोटा सा राजकुमार इनको एक अवार्ड दे दे तो उसका क्या मतलब है, या वो बिल गेट्स उनको अवार्ड दे दे स्वच्छता के लिए, मैं उसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये कोई ऑब्जेक्टिव एजेंसीज हों जैसे मैग्सेसे अवार्ड हो या नोबेल प्राइज़ हो या किसी समाज के इंडेक्स को डेवलपमेंट का काम हो, वो रियल अवार्ड होता है। जहाँ तक समाज के डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं, सोशल डेवलपमेंट इंडाइसेस, वो तो गिरते जा रहे हैं। हमारी जगह जो है माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, औरतों की सिक्योरिटी के बारे में, वो तो सब पहले से गिरते जा रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स जो एक निकला हुआ है ये हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम कई छोटे छोटे मुल्कों से बहुत पीछे हैं। तो ये अवार्ड को मैं ज़्यादा कुछ महत्व नहीं देता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं अच्छा, फिर अभी नया नया एक एनआरसी का हवा खड़ा कर दिया गया है, लोगों में एक डर खौफ खौफ का माहौल। तो एनआरसी के मसले को इस वक्त जबकि देश हर लिहाज से नीचे गिरता जा रहा है, रुपया गिर रहा है, जीडीपी गिर रहा है, कारोबार ठप है, फैक्ट्रियां बंद है, ऐसे वक्त में यही एनआरसी का क्या काम है, किस लिए लाया जा रहा है? एनआरसी तो मेरे ख्याल से लोगों को बांटने की एक कोशिश है। अब जैसे आप आसाम का एग्जाम्पल लीजिए, 19 लाख लोगों को एनआरसी में कहा गया कि ये देश के नागरिक नहीं है। अब सवाल उठता है कि उसमें हिंदू ज़्यादा तादाद में है तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हिंदुओं को नहीं भगाएंगे, तो किसको भगाएंगे फिर? मुसलमानों को भगाएंगे। आप कहाँ भगाएंगे? बांग्लादेश बोलता है हमारे लोग नहीं है तो इनको आप कहीं भेज नहीं सकते। तो क्या आप इनको कंसंट्रेशन,
5 लाख लोगों को, 15 लाख लोगों को आप डिटेंशन कैंप में डालेंगे। अभी तो वो समाज में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, मोटा काम कर रहे हैं, और उससे उनकी रोजगारी चल रही है, सरकार पे बोझ वो नहीं है। अब ये जो पूरी एनआरसी की एक्सरसाइज है, हमारे देश देश में उसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ के देश का प्राइम मिनिस्टर अपने एमए होने के सबूत को ठीक से पेश नहीं कर सकता, उसका डॉक्यूमेंट जो निकलता है उस पे लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो एक गरीब आदमी जो 2 टाइम का खाना नहीं जुटा सकता, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखने वाला है? तो ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे नागरिकता को सिद्ध करने की बात, ये कुछ हजम नहीं होती और इससे कुछ निकलने वाला भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा एक तरफ से होने वाला है, और दूसरी तरफ से कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा और कुछ लोगों को एक समाज में जिल्लत की ज़िंदगी, अपमान की ज़िंदगी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और पूरे जैसे एनआरसी असम का अनुभव है, असम के एनआरसी के अनुभव से ये सीखिए आप कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ तकलीफ़ में गई, उनको बहुत तकलीफ़ हुई और ये तकलीफ़ हर एक लेवल पे हुई। तो ऐसा मुझे तो लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में इंसानियत है, वो इस प्रकार की एक्सरसाइज को विरोध करना चाहिए और इस प्रकार की एक्सरसाइज देश के किसी भी भाग में नहीं होना चाहिए। अभी एनआरसी का मैं एक और अंतिम मुद्दा ऐड कर दूं कि लोग तो दुनिया में आते जाते रहते हैं। अब बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, 1971 वॉर के बाद कुछ लोग आए, फिर कुछ बार लोग उसके पहले आए थे। अब हम कब तक ये करेंगे? और अभी तो आपको मैं जानकारी दे दूँ कि पहले बांग्लादेश से लोग इधर आते थे क्योंकि यहाँ की आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी। अब बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थिति इंडिया से अच्छी हो गई है। फिर दूसरा देखिए कि पिछले 60 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आके काम करते हैं, वो नेपाल के नागरिक हैं, तो उसका हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ों को उछालना, ये लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए है, नंबर वन। नंबर टू, देश में बंटवारा डालने की कोशिश है जिसका हमने विरोध करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि एनआरसी की एक्सरसाइज हमने आसाम में किया है, हम वहीं रुक जाएं, उसको भुला दें, और जो जिस प्रकार से हम सब लोगों को प्रेम मोहब्बत से लेकर समाज में चलें। सर, हमने ये भी देखा है कि जो लोग भी सत्ता से सवाल करते हैं उन आवाज़ों को खामोश किया जाता है। आप इतनी बेबाकी से बात करते हैं, आप अपनी बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं, आपको भी धमकी मिली है, हमने खबरों में भी पढ़ा है, तो आप डरते क्यों नहीं सत्ता से? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं कई सवालों का जवाब दे सकता हूँ, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे एक ही लगता है कि जो सच्चाई है वो रखना चाहिए। सच्चाई को पेश करने की छोटी मोटी मेरी कोशिश है और उस कोशिश में मुझे मेरे ख्याल से मैं लगा रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि अगर सच्चाई सामने रखने से समाज का भला होता है, समाज में आगे चलकर कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, तो निश्चित रूप से देश को अच्छी तरफ ले जाने की दिशा में ये एक छोटा सा कदम होगा। उसी विचार को लेकर शायद मैं अपनी राय को रखता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राम पुनियानी साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय को रखा। हम ये यही उम्मीद और तवक्को करते हैं कि राम पुनियानी जैसे हज़ारों लोग और भी पैदा हों ताकि जो जुल्म करने वाली हुकूमतें हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जाए, उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।